सभी स्टार हम लोग देख लिए आजमगढ़ में, लेकिन खेसारी लाल यादव क्यों नहीं आए? आह, खेसारी जी बिजी होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। बात हुआ है आप? या फिर शायद खेसारी जी बोल रहे थे 22 में बाइसिकल के बारे में, तो उनका दिल टूटा होगा कि 22 में बाइसिकल नहीं आई, इस वजह से शायद नहीं आ रहे होंगे। ऐसा ही कुछ होगा रीजन, और क्या रीजन हो सकता है। लेकिन भाजपा से जुड़े नहीं है इसीलिए नहीं आए होंगे। हाँ, वही तो कह रही हूँ, साइकिल से जुड़े हैं तो फिर भाजपा से कैसे जुड़ेंगे। खेसारी लाल यादव को लेकर आम्रपाली दुबे ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आम्रपाली दुबे ने, अभी आपने हमारे वीडियो के शुरुआत में ही सुना कि उन्होंने बताया कि क्यों दिनेश लाल यादव निरहुआ को सपोर्ट करने खेसारी लाल यादव नहीं पहुंचे। इससे पहले जब हमने अपना वीडियो बनाया था तभी भी हमने आपको बता दिया था कि खेसारी लाल यादव को साइकिल की सवारी पसंद है, तो उन्हें खिलता हुआ कमल कहाँ से रास आएगा। जी हाँ, उन्हें तो सपा की राजनीति पसंद है, इसलिए वो भाजपा की राजनीति तो कभी कर ही नहीं सकते। भाजपा से ना वो जुड़े हैं, सपा नेता अखिलेश यादव से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और कई मर्तबा आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के साथ खेसारी लाल यादव की गाहे बगाहे फोटोज वायरल होती ही रहती हैं। ऐसे में जब चुनावी माहौल है तो आजमगढ़ की धरती पर खेसारी लाल यादव भी उतरेंगे, लेकिन इस बार निरहुआ के विरोध में। जी हाँ, निरहुआ के विरोध में, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि निरहुआ कमल के सपोर्ट में, यानी कि भाजपा के सपोर्ट में है, तो वहीं खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव यानी कि सपा के सपोर्ट में है, और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी हैं। सपा के सपोर्ट में ही खेसारी लाल यादव इस बार आजमगढ़ की धरती पर उतरेंगे, वो भी वोट मांगने का। मंजर और होगा जब सपा के सपोर्ट में खेसारी लाल यादव नज़र आएंगे आजमगढ़ में। तो क्या कहेंगे आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।